नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो है, बिहार स्कॉलरशिप योजना जो है उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दो फॉर्मेट्स पे साइन करवाने पड़ते थे, जिसमें काफ़ी वक्त लग रहा था और कई इंस्टीट्यूशंस इस पे इसकी जानकारी नहीं होने के कारण उस फॉर्मेट को भर के साइन करके भी समय पे नहीं दे पाए थे। तो शायद इसीलिए इस स्कॉलरशिप का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए अगर आप साल 2019-20 या 21, यानी कि ये योजना प्रत्येक वर्ष आती है पर ये अभी 3 वर्ष के बाद आई है, तो इन 3 वर्षों में आपने अगर पास कर रखा है या फिर आप एडमिटेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको बहुत ही बारीकियों से इस वेबसाइट को जानना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि गलत आवेदन ना हो, ताकि पैसे जो है वो DBT के माध्यम से ससमय स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकें। आइए देखते हैं, चलते हैं इसके वेबसाइट पे। दोस्तों, इस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है pmsonline.bih.nic.in। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से सीधे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आके इसे एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको फर्स्ट होम पेज जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फ़ोटो दिखाई देती है और PM का मतलब दोस्तों कहीं भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई ये सेंट्रल की योजना नहीं है, एकदम 100% ये राज्य सरकार वहन करती है, इस योजना का लाभ देती है। तो यहाँ पे PM का मतलब है पोस्ट मैट्रिक, यानी कि आप मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद किसी भी क्लास में होते हैं या फिर कोई वोकेशनल या फिर कोई ट्रेनिंग कोर्स करते रहते हैं, फिर भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसके होम पेज पे आते हैं, आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो है 3 लिंक दिखाई देते हैं। यहाँ पे नियोजित शिक्षक फोल्डर अपलोड है, इस पे भी आपने क्लिक नहीं करना है। काउंसलिंग के लिए जो है वो टीचर्स के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक लिंक दिया गया है, इस पे भी आपने क्लिक नहीं करना। आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लिंक मिलता है, अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 ओनली, इस पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, दिए गए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नोटिसेस आपको देखने को और पढ़ने को मिल जाती है। सबसे पहला जो नोटिस आता है वो आता है अंतिम तिथि 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। तो 100% दोस्तों, ये जो 30 तक इसका डेट था उसे अब 15 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि ड्यू टू एक्सेस लोड सर्वर यू में मिस द फाइनलाइज ऑन लास्ट डे। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ना जो है ससमय अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर लें, ताकि आपको लास्ट डे पे ना सर्वर एक्सेस ओवरलोड होने के कारण आपका फाइनलाइजेशन कहीं छूट ना जाए, और एक बार आपका फाइनलाइजेशन छूटा तो आपको पेमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों, आप जैसे ही थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट को, तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन। ये दोस्तों इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जो भी संस्था है जिन्होंने, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जो कॉलेजेस है उसके लिए है। उसके नीचे व्यू इंस्टीट्यूशन लिस्ट है, आप अपने इंस्टीट्यूशंस का लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों SC ST से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, SC ST स्टूडेंट लिखा गया है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। अगर आप BC EBC स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। समरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके, और जो रिजेक्टेड डिफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस लिस्ट है, जिन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को भी ऑनलाइन आवेदन करना है और उनको अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना है ऑनलाइन, तो उसका डिफेक्टिव लिस्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेन जो लिंक आपको मिलता है वो आता है SC ST के लिए और BC EBC के लिए। उसी के नीचे दोस्तों थोड़ा सा और आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क के नंबर मिल जाते हैं। ये ज़्यादातर मोबाइल नंबर्स ऑफ ही रखते हैं, तो इस पर तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप मेल करेंगे तो उधर से ये रिप्लाई ज़रूर देते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक आपको दे दिया, किस लिंक पे आपको जाना है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसे आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप डाउनलोड में आएंगे और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। तो इस फाइल में ना जो भी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे आ जाती है, आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट करके पेन से भर के रख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते समय ये आपके बड़े काम आ सकती है। उसी तरीके से दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट का फ़ोटो 50 KB के अंदर में अपलोड करना है। 10th सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में करना है, जो कि 400 KB से नीचे हो अगर एप्लीकेबल है तो। 12th सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो।
ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, उसी तरीके से रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसका फॉर्मेट भी मैंने अपलोड कर रखा है, बहुत ही साफ़ और क्लियर है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधे इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फी रिसिप्ट का को भी इसी तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और लास्ट एग्ज़ाम जो भी आपने पास करा होगा उसका सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल गए क्या क्या चाहिए। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फैक दिए गए हैं, आप फैक पे क्लिक करके फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे संपूर्ण विवरण को देख सकते हैं। जब दोस्तों आप फैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बीसी, ईबीसी, एसएस यानी कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बारे में जानकारी दी गई है। इंस्टीट्यूट्स हैव गो विथ ऑप्शन इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन ऑन दी होम पेज, तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट को खुद को रजिस्टर करना है, तभी यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन तो कर ही पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। थर्ड स्टेप को यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट शुड अपलोड दी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, सारा डिटेल फिल करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी दिए गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का आधार कार्ड मैंडेटरी है, स्टूडेंट का फोटोग्राफ भी मैंडेटरी है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से चाहिए, फी रिसिप्ट भी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए जो वैलिड होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट और प्रीवियस डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, यहाँ पे टेम्पेयर डॉक्यूमेंट, फॉल्स अनऑथराइज डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड नहीं करना है, कोई भी स्कैन किया हुआ, कोई भी फर्जी, कोई भी फॉल्स जो ऑथराइज ना हो वो डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या आप उसे एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब तक उसे आप फाइनलाइज़ नहीं करते यानी कि फाइनली सबमिट नहीं करते तब तक आप इसे यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे पैन कार्ड का बारे में दिया गया है कि आपको पैन कार्ड ज़रूरी है क्या, तो बिल्कुल पैन कार्ड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। दोस्तों अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है कि व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट फाइंड माई इंस्टीट्यूशन नेम इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आपका इंस्टीट्यूट पॉपअप नहीं होता, वहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इफ़ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन द रजिस्टर्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर पोर्टल, देन रिक्वेस्ट योर इंस्टीट्यूशन टू रजिस्टर ऑन आवर पोर्टल अलॉन्ग विथ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले इंस्टीट्यूशन को खुद को यहाँ पे रजिस्टर करना है, वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो उनका जो है आप इस लिस्ट में आपका आएगा ही नहीं कॉलेज, तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उनको अप्लाई करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेटस को भी ट्रैक करने की जानकारी दी गई है, बैंक अकाउंट क्या ज़रूरी है उसकी जानकारी दी गई है, बैंक अकाउंट बिल्कुल ज़रूरी है, और इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुद को कितनी बार रजिस्टर कर सकते हैं ये वो सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे फैक्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी गई है। कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है कि अगर आपका आवेदन रिजेक्ट होता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, बिहार के रेजिडेंट नहीं हैं, तो भी आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। नॉट बिलोंगिंग टू बीसी, ईबीसी, एसटी एंड एसटी, तो इस कैटेगरी में आप नहीं आते फिर भी आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप नहीं है फिर भी आपका रद्द हो जाएगा। नॉट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूट इस पर रजिस्टर नहीं है इस पोर्टल पर तब भी, इसी तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि क्या क्या आपको यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप फिर से होम पेज पे आएंगे और अपने संबंधित कास्ट के हिसाब से आपको उस पर क्लिक करना होगा। अगर आप बीसी ईबीसी हैं तो बीसी ईबीसी स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको नोट करना है, ऊपर में इंस्टीट्यूशंस दिया गया है और स्टूडेंट दिया गया है, तो आप इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन संस्था है आपका, कॉलेज है, तो आपको इस वाले लिंक पे किसी पे भी क्लिक नहीं करना। सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप वाइज दिखा गया है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पर्सनल डिटेल एंड बैंक डिटेल को फिल करना है, फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे और लास्ट में फाइनलाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ यहाँ दिखा गया है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसे आपको अलाउ करना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज सामने आ जाता है। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसका जेंडर, उसका आधार कार्ड नंबर और यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से नाम,
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करके आपको आधार को वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर पे यहाँ पे इनपुट करके आपको जनरेट ओटीपी करना होगा और ईमेल आईडी को भी इनपुट करके जनरेट ओटीपी करना होगा, और यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बना के यहाँ पे आपको खुद को प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार जब आप इस यहाँ पे रजिस्टर करेंगे कर लेंगे खुद को, तो फिर से आपको होम पेज पे आना है और फिर आपको नीचे दिए गए लिंक लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। जो इसका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा वो आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे यूज़र आईडी इनपुट करना पड़ेगा और पासवर्ड डाल के कैप्चा को इनपुट करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपना यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र आईडी डालने के बाद सारा का सारा फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और लास्ट में फाइनलाइज ज़रूर करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से सिंपली क्लिक करके उसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर दोनों मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, दो लिंक दिए हैं मैंने, एक वर्ड में और एक पीडीएफ में। आपको इसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट भरना है, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी क्लास में वो पढ़ रहा है या फिर पास आउट हो चुका है 19, 20, 21 और 21-22 के लिए, यहाँ पे उसका क्लास, सेमेस्टर या फिर ईयर किस ईयर में है, अगर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है तो यहाँ सेकेंड ईयर, कोर्स का नाम, जैसे ग्रेजुएशन में है तो TDS, TDC और इंटरमीडिएट कर रहा है तो इंटर यहाँ पे डालेगा, एकेडमिक ईयर में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा आपका सेशन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे डालना होगा और एक्सेप्टेड ईयर कितने सालों में उसका, किस साल में उसका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर में स्कूल या कॉलेज यहाँ पे अपना मोहर और साइन करेंगे, वो अपना नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फी रिसिप्ट में भी आपको डेट देना है, सबसे पहले फी रिसिप्ट में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, एडमिशन नंबर, कोर्स कौन सा कर रहा है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, जो भी कर रहा है, सेशन यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो भी है वो कॉलेज डिटेल भर देगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फीस रिफंडेबल होती है उसको यहाँ पे आपको नहीं भरना है, वो मिलते नहीं है, वापस नहीं होते, उसके पैसे आपको स्कॉलरशिप में नहीं मिलते हैं। एडमिशन फीस आप देख सकते हैं, आपको रिसिप्ट मिलता है उस पर रहता है, ट्यूशन फीस भी रहता है, रजिस्ट्रेशन फीस जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका उस समय जो लगता है उसको यहाँ पे डालना होता है, एग्ज़ाम फी कोई है तो यहाँ डाल के टोटल यहाँ पे आपको दिखाना है कि इतना पैसा आपका लगा है, सारा का सारा आपको वापस होगा और यहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर करवा के अपलोड करना है। इसी तरीके से जाति, आवासीय आय, फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सबको ठीक तरीके से PDF में कन्वर्ट करके उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड कर देना है। तो दोस्तों फाइनल करने के बाद आपको उसका जो है लास्ट में फाइनल करने के बाद आपके आवेदन को प्रिंट आउट करके रख लेना है और फिर आप बाद में इसका स्टेटस भी चेक कर पाएंगे और एक बार आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है तो DBT के माध्यम से सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।